हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्णव चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं बॉलीयुग। तो आज का जो गाना है वो है बहुत ही फेमस गाना ओ हंसिनी, संग बाय किशोर कुमार साहब। सो इट हैज वेरी सिंपल कॉर्ड्स। चलिए देख लेते हैं इस गाने का कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग पैटर्न। एज पर यूट्यूब आई थिंक the chord, the original chord is E minor. I'm not sure about it, but I am using D minor. Okay? अगर आपको E minor में ही गाना है तो D minor shape आप hold करके अगर second fret पे capo रख देते हैं तो वो E minor हो जाता है, because D के बाद आता है D sharp और E flat and then E. So that's why first fret अगर रखेंगे तो D sharp होगा, second fret में capo रखेंगे तो E minor हो जाएगा. Okay? That is the theory behind केपो। अगर आपको पता नहीं है केपो क्या है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कर लीजिए और उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया, वो जल्दी से देख लीजिए। पहला कॉर्ड है इस गाने का डी माइनर। डी माइनर बजाने के लिए आपको रखना पड़ेगा आपका इंडेक्स फिंगर ऑन द फर्स्ट फ्रेट ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग, मिडिल फिंगर ऑन द सेकंड फ्रेट ऑफ द फोर्थ स्ट्रिंग, रिंग फिंगर उसके ठीक नीचे ऑन द सेकंड फ्रेट ऑफ द थर्ड स्ट्रिंग एंड द फर्स्ट स्ट्रिंग विल रिमेन ओपन। ओके, नाउ द सेकंड कॉर्ड इज एफ मेजर। जस्ट आपका जो थर्ड फिंगर है वो हटा लीजिए, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को वहीं पे रहने दीजिए। दिस इज एफ मेजर। उसके बाद आता है जी मेजर। जी मेजर बजाने के लिए आपको रखना पड़ेगा इंडेक्स फिंगर ऑन द सेकंड फ्रेट ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग, मिडिल फिंगर को रखना पड़ेगा सेकंड फ्रेट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड रिंग फिंगर को रखना पड़ेगा थर्ड फ्रेट ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग, द फोर्थ स्ट्रिंग विल रिमेन ओपन। उसके बाद आता है सी मेजर। सी मेजर बजाने के लिए वेरी सिंपल, थर्ड फिंगर ऑन द थर्ड फ्रेट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग। और उसके बाद आता है डी मेजर। डी मेजर बजाने के लिए इंडेक्स फिंगर हैज टू बी प्लेस्ड ऑन द सेकंड फ्रेट ऑफ द फोर्थ स्ट्रिंग, मिडिल फिंगर हैज टू बी प्लेस्ड ऑन द सेकंड फ्रेट ऑफ द थर्ड स्ट्रिंग, रिंग फिंगर हैज टू बी प्लेस्ड ऑन द सेकंड फ्रेट ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग एंड द फर्स्ट स्ट्रिंग विल रिमेन ओपन। इसका स्ट्रमिंग पैटर्न जो मैंने यूज किया है वो है डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन। इस पैटर्न को मैंने थोड़ा चकिंग स्टाइल में बजाया है, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन, जो कि जो बिगिनर्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं अगर आपको चकिंग नहीं आता है। अगर आपको चकिंग आता है तो आप प्ले कर सकते हैं डाउन चक अप अप चक डाउन चक अप अप चक। ओके, अगर चकिंग के बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो देखना है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है उसे देख लीजिए, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। चलिए इस गाने को स्मॉल सेगमेंट में पहले ब्रेकअप कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले हम होल्ड करेंगे डी माइनर कॉर्ड, ओ हंसिनी, उसके तुरंत बाद आ जाएगा डी मेजर कॉर्ड, मेरी हंसिनी। ये मैंने कैसे चेंज किया, जो डी माइनर है इसी शेप को सिर्फ मैंने इंडेक्स फिंगर उठा लिया और पिंकी को नीचे डाल दिया सेकंड फ्रेट ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग में। ये हो गया मेरा डी मेजर कॉर्ड। अभी पिंकी में कभी कभी बजाने में प्रॉब्लम होता है, तो अगर प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो आप डी माइनर बजा के ऐसे शिफ्ट करके भी डी मेजर बजा सकते हैं, जैसे मैंने कॉर्ड जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने ये बताया था ये शेप। ओके, सो ओ हंसिनी मेरी हंसिनी, डी मेजर हो गया, कहाँ उड़ चली, इधर आएगा जी मेजर, मेरे अरमानों के सी पंख लगा के, बैक टू डी मेजर, कहाँ उड़ चली, बैक टू डी माइनर। ठीक है, तो इसको हम रिदम में कैसे बजाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे अंतरे में। अंतरे में सिंपल है, एफ मेजर कॉर्ड से चालू होता है, ओ सी ओ सी बैक टू डी माइनर। तो इसको रिदम में कैसे बजाएंगे, ओ दर
एंड इसके बाद ओ हंसिनी रिपीट्स, सो द सेम थिंग कीप्स ऑन रिपीटिंग. तो आपको अगर ये मुखड़ा और अंतरे का दो लाइन आ गया तो बाकी सारा पूरा गाना सेम. आशा है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम में, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.